मैंने एक बात पर बहुत गौर किया है कि किसी भी व्यक्ति का सरसरी तौर पर परिचय देना और हृदय से किसी के व्यक्तित्व को स्वीकार कर उसका परिचय देने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं भी इस कश्मकश में हूँ कि मैं कैसे ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दूं जिसका व्यक्तित्व किसी की परिचय का मोहताज नहीं। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैंने प्रयत्न अवश्य किया है कि इस कसौटी पर खरी उतर पाऊं। आधुनिक दृष्टिकोण रखते हुए स्वयं को हर परंपरा से बांधते हुए प्रत्येक संस्कार को बाखूबी से निभाने वाली, मानने वाली मनीषा गोयल जी अपने देश से भी बहुत प्रेम करती हैं। उनका कहना है कि भारत का महान विरासत है और स्वयं को भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के अटल प्रेमी होने का उन्हें गर्व है। मनीषा जी ने एमए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में किया है, वे बीएड भी हैं। इनका लगाव हमेशा शिक्षण पद्धति, शिक्षा की ओर रहा है। मनीषा जी को लिखना, कहानी लिखना, खासकर कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है। डिबेट्स, कंपेयरिंग, स्किट की तैयारियां करना, छात्रों को इसके लिए तैयार करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपने कार्य के प्रति वे हमेशा सजग रहती हैं, अपने कार्य को पूजा मानती हैं। वर्क इज वर्शिप। मनीषा जी के जीवन का फलसफा रहा है, खुद तो जियो और दूसरों को भी जीने दो। अनावश्यक बातों, वाद विवादों या मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहना पसंद करती हैं, परंतु हाँ, किसी भी परिस्थिति में अन्याय सहन नहीं कर पाती हैं। ईश्वर में इनकी काफी भक्ति है, श्रद्धा है। रेडियो हिंदुस्तान में अपनी कहानियों, कविताओं के ऑडियो पोस्ट करती रहती हैं, जिसे काफी पसंद किया जाता है, सराहा जाता है। अभी काफी दिनों से रेडियो हिंदुस्तान में लाइव शो भी कर रही हैं, जिसे श्रोतागण बहुत पसंद कर रहे हैं। वैसे भी मनीषा जी बहुत कम बातचीत करती हैं, परंतु उनके काम में उनका व्यक्तित्व झलकता है। ये बहुत ही शांत, सुदृढ़ और सुलझी हुई प्रकृति की हैं। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों, मैं उमा प्रभाकरण हृदय तल से आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे मनीषा गोयल जी से आप सबका विस्तार पूर्वक परिचय कराने का मौका मिला। धन्यवाद।